नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी तिवान। प्रज्ञा वीडियो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग पिछले वीडियो में विद्यापीठ आदर्श आवासीय विद्यालय रायपुर छत्तीसगढ़ प्रवेश सूचना के बारे में आप लोग को जानकारी मिल गई होगी। तो इसके आगे मैं आपको इसके प्रवेश फॉर्म के बारे में बताऊंगा कि आप लोग को प्रवेश फॉर्म में क्या क्या भरना है, इसमें किन किन चीजों पर आपको सावधानी बरतनी है, वो सारी जानकारी आज की वीडियो में मिलेगा। और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ विवेकानंद पीठ आदर्श आवासीय विद्यालय का प्रेस फॉर्म के बारे में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, यह रहा आपका ये प्रेस फॉर्म विवेकानंद विद्यापीठ आदर्श आवासीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। इसका पता है आपका रामकृष्ण परमस नगर कोटा रायपुर। इनका पिन नंबर है, यहाँ पर दूरभाष नंबर दिया हुआ है और मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए आप लोग यहाँ पर संपर्क कर सकते हो और यहाँ पर बकायदा ईमेल आईडी और वेबसाइट दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले सकते हो। आइए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय छात्रावास में नवीन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र सत्र 2021-22 विद्यालय और छात्रावास दोनों के लिए है, मतलब ये पूर्णतः आवासीय विद्यालय है। पहला है छात्र का नाम, यहाँ पर लिखोगे अपने बच्चे का नाम। दूसरा है पिता का नाम, माता का नाम, और बगल में आपका छात्र का नवीनतम फोटोग्राफ, रंगीन पासपोर्ट होना चाहिए। जन्मतिथि ये बिल्कुल सही होना चाहिए। आपके जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर शब्दों में जन्मतिथि को शब्दों में लिखोगे। पांचवा, छात्र का आधार नंबर होना चाहिए। छात्र का जो आधार नंबर है यहाँ पर लिखा होना चाहिए और साथ ही आपको छाया प्रति संलग्न करना है। छठवा है, छात्र किस कक्षा में प्रवेश लेना चाहता है, यहाँ पर कक्षा का नाम लिखेंगे। यदि दूसरी से तीसरी आया है तो कक्षा तीसरी, या तो पांचवी से छठवीं से आया है तो छठवीं, और या तो आठवीं से नौवीं आया है तो नौवीं, या दसवीं से ग्यारहवीं, तो इस तरह लिखेंगे। छात्र का मोबाइल नंबर, यहाँ का छात्र का मोबाइल नंबर लिखना बहुत जरूरी है। सातवां, पूर्व वर्ष में उत्तीर्ण परीक्षा का विवरण, उत्तीर्ण कक्षा, यहाँ पर पिछली कक्षा आपने उत्तीर्ण किए हैं वहाँ पर लिखोगे। शैक्षिक सत्र किस सत्र का है, 2020-21 का है कि 21-22 का, तो इस सब लिखोगे। पूर्व परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत, यहाँ पर जो भी प्रतिशत है यहाँ पर लिखोगे। और सत्यापित अंक सूची की छाया प्रति संलग्न करें, आपका सत्यापित किया हुआ अंक सूची यहाँ पर संलग्न करना है। आठवां है आपका विशेष योग्यता, जैसे राष्ट्रीय खिलाड़ी, मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज आदि खालिस्तान, जिस क्षेत्र में विशेष योग्यता हासिल की है यहाँ पर लिखना है। और साथ ही आपको प्रमाण पत्र भी संलग्न कर देना, ज्यादा अच्छा रहेगा। नौवां है जाति, यहाँ पर आप किस जाति में आते हैं उसको लिखना है। उपजाति, यहाँ पर सरनेम आएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अधिकृत अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र संलग्न करें, मतलब SDM का साइन होना चाहिए उसमें आपके जाति प्रमाण पत्र में। और यहाँ एक चीज और बता देता है, यह केवल SC और ST के लिए है, OBC जनरल ये बिल्कुल यहाँ पर अप्लाई ना करें। दसवां है पिता का व्यवसाय, कौन सा व्यवसाय है, नौकरी है कि बिजनेस है या जो भी हो, पिता की वार्षिक आय लिखना है। ग्यारहवा, माता का व्यवसाय, यदि आपकी माता नौकरी करती है या व्यवसाय करती है तो यहाँ पर लिखोगे, नहीं करती है तो कटमट कर दोगे। बारहवा है माता पिता की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय, वार्षिक आय यहाँ पर आप लोग को लिखना है। तेरहवा है स्थायी पता, यहाँ पर स्थायी पता देना है, अपने घर का पता, जिस एड्रेस से आप पत्र व्यवहार करते हैं। पहला है आपका पालक का व्हाट्सएप नंबर, यहाँ पर पालक का व्हाट्सएप नंबर देना है, मोबाइल नंबर भी देना है। तीसरा, ईमेल आईडी भी देना है और आधार कार्ड नंबर देना है।
चौथा है पत्र व्यवहार का पता, पत्र व्यवहार यदि पता सेम है तो यहाँ पर सेम लिख दोगे, अगर अलग अलग है तो अलग। पांचवा है स्थानीय अभिभावक का नाम, जैसे कई बार क्या है जैसे कोई मौसी का लड़का हो गया, मामा का लड़का है, किसी घर में रह के पढ़ रहा है या वही जगह रहता है तो स्थानीय अभिभावक का नाम वहाँ लिखना है। छात्र से उनका सम्मान, जैसे कोई मौसा लगते हैं, बड़े पापा लगते हैं तो ऐसा। स्थानीय अभिभावक का पता, जिस घर में रह रहा है उस पता यहाँ पर लिखोगे, और उनके व्यवसाय भी लिखोगे, आधार नंबर, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर, ठीक है। छात्र की घोषणा, इतना जितना भी आपने सही सही भरे है यहाँ पर घोषणा पत्र, इसको पढ़ के आपको साइन करना है, यहाँ पर छात्र साइन करेंगे। और ठीक उसी तरह पालक भी अपना घोषणा यहाँ उसको पढ़ के, यहाँ पर पालक का ताक्षर और संबंध और अपना पालक का नवीनतम फोटोग्राफ यहाँ पर चिपकाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी जानकारी दिया गया है वो बिल्कुल सही होना चाहिए, अन्यथा निरस्त किया जा सकता है। तो ये संबंधित यहाँ पर घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। स्थानीय विभाग का भी अपना घोषणा पत्र है, ठीक जैसे यहाँ पर है यहाँ भी वैसे ही आप फोटो चिपकाना है और यहाँ पर साइन करना है। छात्रों एवं पालकों के लिए पाली नियम, यहाँ पर सब नियम कानून दिया हुआ है, तो इस नियम कानून को अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद स्वयं पढ़ेंगे इसको, और इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा इस फॉर्म का, तो वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो, और दूसरा आप विद्यापीठ के वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। इसे संयुक्त घोषणा भी दिया हुआ है, जैसे छात्रों से मिलना जुलना होता है तो दोनों का पासपोर्ट लगेगा इसमें, और जिसका पासपोर्ट लगा है वही बच्चे को ला और जा सकते हैं। संयुक्त घोषणा है, पालक का ताक्षर लगेगा, छात्र से मिलने वाले अधिकृत व्यक्ति का ताक्षर, छात्र से मिलने वाले अधिकृत व्यक्ति का, और ये सारी जानकारी बिल्कुल पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रवेश सूचना दिया है, सत्र 2021-22 का है, शिक्षा सत्र का, यहाँ पर सारा जानकारी डिटेल में दिया हुआ है, तो आप लोग आराम से पढ़िएगा। और यहाँ पर दिया हुआ है उपस्थित होने वाला, यहाँ पर डेट दिया हुआ है, वैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो आप सभी लोग को समझ आ गया कैसे फॉर्म भरना है। पहले फॉर्म भरने से पहले ये जितना भी डिटेल दिया हुआ है इसको पहले पढ़ ले, उसके बाद फॉर्म जरूर भर लें, ठीक है। तो आज के वीडियो पर इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों आज के वीडियो में विद्यापीठ आदर्श आवासीय विद्यालय का जो प्रेस फॉर्म है इसके बारे में आप लोग को अच्छी तरह से जानकारी मिल गई होगी, और इसमें आप लोग को क्या क्या अपने डॉक्यूमेंट को अटैच करना है इसका भी जानकारी मिल गई होगी। तो आप लोग बिल्कुल जल्दी करिएगा क्योंकि समय कम है, 30 जून तक है इसका लास्ट डेट, तो इसके अंदर आप लोग को फॉर्म भरना है। हाँ, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जो लोग ST और SC के कैटेगरी आते हैं उन लोग केवल इस फॉर्म को भरेंगे, अन्य वर्ग लोग नहीं भरेंगे क्योंकि अन्य वर्ग के लिए अलाउ नहीं है, ठीक है। तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा, और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर कर दीजिएगा। यदि आप इस चैनल में नए आ गए हो तो लाल वाली बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस तरह का मैं नया नया जानकारी लेकर आते रहूंगा, जाने का इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।